Am I audible? Good afternoon, all. At the outset, let me congratulate Dr. Somu Singh, who conceptualized the online live lecture under Bharat Padhe online campaign. We know that the research methodology is a subject of utmost importance for the students of social sciences in general and education in particular. We encounter every day with many terms in research methodology, and we use the same, but many a times we use these terms without having the true meaning with us. Today, I shall discuss with the glossary of the terms used in research methodology alphabetically. First of all, we should know the meaning of glossary. Glossary is an alphabetical list of the words in a text that are difficult to understand. ग्लॉसरी जिसको हम शब्दावली भी कहते हैं, ये एक अल्फाबेटिकल लिस्ट है वर्ड्स की जो टेक्स्ट में दिए होते हैं और जिनको अंडरस्टैंड करना, जिनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो इसीलिए आज हम विल टेक अल्फाबेटिकली द ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट एब्स्ट्रैक्ट. वॉट एब्स्ट्रैक्ट इज ए क्लियर कंसाइज समरी ऑफ द स्टडी that communicates the essential information about the study. In research journal, it is usually located at the beginning of an article. हम देखते हैं, जब भी हम journals को किसी को पढ़ते हैं, उसमें जो भी article दिए होते हैं, वो articles सारे के सारे एक ना एक abstract के साथ होते हैं, और उस abstract में हमारा साथ में abstract के आर्टिकल के साथ में शुरुआत में ही हम एक एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, जिसमें आर्टिकल के बारे में पूरा सारांश होता है. आर्टिकल हमने क्या लिखा है, क्या सैंपल था हमारा, और इससे क्या हमें रिजल्ट्स मिले हैं. तो किसी भी स्टडी के लिए एब्स्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको आसानी से कोई भी जो लर्नर है, कोई भी जो रीडर है आपका, जो पढ़ना चाहता है, वो आसानी से उसको पढ़ सके और उसको आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ. नेक्स्ट टर्म आती है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी जिसे हम परिशुद्धता भी कहते हैं. इन सर्वे रिसर्च एक्यूरेसी रेफर्स टू द मैच बिटवीन अ सैंपल एंड द टारगेट पॉपुलेशन. इट ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ क्लोज अ वैल्यू ओरिएंटेड फ्रॉम ए सर्वे इंस्ट्रूमेंट और असेसमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू. आप देखते हैं, अगर हम बात करें कि किसी टारगेट को हमें हिट करना है, तो उस टारगेट को हिट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए. जब तक हमारे अंदर एक्यूरेसी नहीं होगी, हम उस टारगेट को हिट नहीं कर सकेंगे. इसलिए एक्यूरेसी रिसर्च में बहुत जरूरी है, और जो कि ऑब्टेंड रिजल्ट होंगे, जो आपको जो इंस्ट्रूमेंट से आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, उनके थ्रू आपने एक्यूरेसी को चेक करना है. नेक्स्ट पॉइंट आता है एजम्पशंस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द रिसर्च. Because you know that assumption is a realistic expectation which is something that we believe to be true. इसको हम मान के चलते हैं कि ये चीज ठीक होगी. However, no adequate evidence exists to support this belief. जो हमारा belief है, उसके लिए हमारे पास कोई support के लिए कोई evidences नहीं है. अगर हम बात करें कि an assumption is an act of faith which does not have empirical evidence to support. These are the statements that are taken for granted or considered true, even though they have not been scientifically tested. जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भगवान के बारे में हम बात करते हैं कि अगर हम रोज प्रार्थना करते हैं तो उससे हमें सफलता मिलती है, क्या इसका कोई एविडेंस है हमारे पास कि हम रोज प्रार्थना करेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी? शायद इसका कोई रेफरेंस हमारे पास एविडेंस नहीं है. लेकिन ये जो assumption हम लेके चल रहे हैं कि रेगुलर प्रेयर्स ब्रिंग सक्सेस बिकॉज दे बूस्ट मोरल, हमारा मोरल उससे बढ़ रहा है, हमारा मनोबल बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि रोज प्रार्थना करोगे तो आपको सफलता मिलेगी. तो ऐसा ही रिसर्च के साथ है कि कोई ट्रू एविडेंस हमारे पास इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा. ये रिजल्ट्स बताएंगे, जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उससे पता लगेगा हमें.
अगला पॉइंट पे हम बात करें तो एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मेरे ख्याल से जो हम एजुकेशन फील्ड के लोग हैं कहीं ना कहीं जरूर हम एनकाउंटर हुए होंगे इस वर्ड के साथ, दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज अ डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एंड फॉर दोज टेकिंग द एक्शंस, मीनिंग देयर बाय कि एक्शन रिसर्च ऐसी रिसर्च है, ऐसी इंक्वायरी है जो उस व्यक्ति द्वारा कंडक्ट की जाती है जिसको कि इस पर एक्शन लेना है। एक्शन रिसर्च कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इन्फॉर्म पॉलिसी और इम्प्रूव द वे दैट इश्यूज आर एड्रेस्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जिसमें जिस व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होती है वही व्यक्ति उस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके सुलझाने का कार्य करता है और उस कार्य से प्राप्त परिणामों को सिस्टम में इंप्लीमेंट भी कर सकता है और समस्या से निजात पा जाता है। जैसे कि हम अगर क्लास में हैं, हम ये देख रहे हैं कि कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, उन लोगों के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि हमें उनके लिए पहले तो हम कोशिश करें शायद वो इंटरेस्ट ले लें, अगर फिर भी हमें लगता है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक एक्शन रिसर्च उसके लिए कंडक्ट करें क्योंकि समस्या हमारी है, वो हमारी कक्षा में वो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं इंटरेस्ट, उसके लिए क्योंकि समस्या हमारी है और समाधान भी हमें ही ढूंढना है इसके लिए, उस स्थिति में हमने उन पर एक एक्शन रिसर्च कंडक्ट किया और जो हमें परिणाम मिले उसके उन परिणामों को हमने सिस्टम में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से एक्शन रिसर्च, सीधी सी बात यह है कि अगर हमारी समस्या है तो समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा, समस्या हमारी है तो हमें ही उस पर अनुसंधान करना पड़ेगा और वैज्ञानिक ढंग से उसको करने के पश्चात जो भी परिणाम हमें मिल रहे हैं उन परिणामों को हमें सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर देना है और उससे हमारी समस्या को समाधान हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है एनोनिमिटी। हम में से बहुत सारे लोगों ने जर्नल्स को पेपर भेजे होंगे, उनका जो इंस्ट्रक्शंस टू द ऑथर्स होती हैं उसमें अगर आप देखें तो वहां पर एक चीज ये मिलेगी हमें लिखी हुई कि एनोनिमिटी बनाए रखने के लिए आप अपना नाम केवल फर्स्ट पेज पर लिखें और जर्नल पूरे भी पेपर में कहीं भी आपके नाम का रेफरेंस नहीं होना चाहिए। ये क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा एडिटर है वो ये चाहता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो। रीजन बीइंग कि हमारी आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज होती है क्योंकि रिव्यूअर के पास वो पेपर जा रहा है। जब आप समाज में रहते हैं तो समाज में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपसे कोई कंसर्न नहीं है। उस स्थिति में अगर आप देखिए कि अगर आपके नाम के साथ पेपर जाता है, आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है और एक ऐसे व्यक्ति के पास वो पेपर चला गया जिसके साथ, जो आपके साथ बहुत ज्यादा आपको पसंद नहीं करता है, उस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसकी सब्जेक्टिविटी, कहीं ना कहीं उसकी बायसनेस उस पर रिफ्लेक्ट करेगी। और इसका अपोजिट अगर आप लेके बात करें कि स्थिति ये भी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, पेपर उतना अच्छा नहीं है आपका, वहां क्या होगा कि वहां पर ना अच्छा होता हुआ भी चूंकि मनोज सक्सेना का पेपर है और आपके पास गया है, आपके मनोज सक्सेना के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो आप उस पेपर को कुछ ना कुछ बायसनेस आएगी और आप उसको आप एक तरीके से कहना चाहिए मुझे कि आप उस पेपर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या हुआ, एक जगह जो बहुत अच्छा पेपर था वो नहीं छप सका क्योंकि आपके रिलेशन रिव्यूअर के साथ अच्छे नहीं थे, जबकि क्योंकि उसको आपका नाम पता था। दूसरी तरफ जब पेपर बहुत अच्छा नहीं था लेकिन रिव्यूअर के साथ आपके रिलेशन अच्छे थे, वहां आपने क्या किया कि वो पेपर आपका छप गया, यानी कि वहां आपका नाम के आपके साथ एनोनिमिटी नहीं बरती गई। सेम सिचुएशन इज विद द रिसर्च, वेयर इवन द रिसर्चर विल नॉट नो हु प्रोवाइडेड विच स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और डेटा फॉर ए रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे आप देखें कि आपके पास जब कभी आपने, हम सभी लोगों ने कुछ ना कुछ क्वेश्चनर को फिलअप किया होगा, नाम के साथ में लिखा होता है विद इन ब्रैकेट ऑप्शनल, इफ यू वांट टू शेयर योर नेम यू आर मोस्ट वेलकम, इफ यू डोंट वांट प्लीज डोंट राइट योर नेम। बिकॉज कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको अपना ट्रू जो फीलिंग्स हैं आपकी, आपका जो ट्रू रिस्पॉन्स है वो आना चाहिए और आपका नाम आने के साथ ही आपको भी थोड़ा सा ये रहता है कि मेरा नाम से जा रहा है तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। इसलिए रिसर्च में एनोनिमिटी बहुत जरूरी है। मैंने बात की थी अभी पक्षपात की, मैंने बात की थी अभी बायस की, कि एनोनिमिटी नहीं होगी तो बायसनेस बढ़ सकती है।
तो नेक्स्ट टर्म पर हम बात करते हैं बायसनेस की। बायस क्या होता है? बायस यानी पक्षपात। बायस स्टेटेड एज ए डेविएशन इन वन डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड। जो वेरिएबल आप मेजर करना चाह रहे हैं उसकी जो ट्रू वैल्यू होगी उससे डेविएशन जितना भी होगा वो बायसनेस होगी। पीपल में डेवलप बायसेस फॉर और अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ग्रुप और ए बिलीफ। स्टैटिस्टिकल बायस रिजल्ट फ्रॉम एन अनफेयर सैम्पलिंग ऑफ ए पॉपुलेशन और फ्रॉम एन एस्टिमेशन प्रोसेस दैट डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट ऑन एवरेज। बायस की बात करूं मैं आपसे, यहां पर हम सैम्पलिंग एरर की बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको बायसनेस की तरह सुनेंगे। स्थिति यह है कि आपने एक स्टडी करनी है और उस स्टडी में आपने ये दिखाना था कि मेल्स आर मोर मस्कुलर, हैविंग मोर मस्कुलर पावर देन द फीमेल्स, और एज ए रिसर्चर यू शुड नॉट बी द बायस पर्सन। बट कहीं आपकी बायसनेस अगर रिफ्लेक्ट कर रही है और आप ये चाहते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पुरुषों से मस्कुलर पावर में बेहतर हैं, अधिक हैं, लेकिन वहां आप अगर ये देखें, आपने जो जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया वहां आपने सैंपल में कुंजू रानी जैसे लोग ले लिए, गीता फोगाट जैसे लोग ले लिए, या आपने कुछ एथलीट्स को आपने ले लिया, तो वहां क्या होगा? बायसनेस है, रिफ्लेक्ट कर रही है बायसनेस। या आपने कुछ जनरल महिलाएं ले ली और आपने कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को ले लिया उधर मेल्स में, तो निश्चित रूप से आपकी बायस वहां रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जो आपने वेरिएबल मेजर करना है उसकी ट्रू वैल्यू से जितना भी वन डायरेक्शन में डेविएशन होगा वो बायसनेस होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें केस स्टडी। हम सब ने केस स्टडी जरूर पढ़ा होगा। क्या होती है केस स्टडी? व्यक्तिगत अध्ययन है। तो रिसर्च मेथड विच फोकसेस ऑन सर्कमस्टेंसेस, डायनामिक्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सिंगल केस और ए स्मॉल नंबर ऑफ केसेस। केस स्टडी इज फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट इज यूज्ड टू लुक एट इंडिविजुअल्स, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स और ए ग्रुप एज ए होल। इट इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू एन इवेंट और ए सेट ऑफ रिलेटेड इवेंट्स व्हिच एम्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। इट रेफर्स टू द कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट और ए स्मॉल ग्रुप, फ्रीक्वेंटली इंक्लूडिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। देखिए इसमें हम क्या बात करते हैं, हम इनडेप्थ स्टडी कर रहे हैं। जो केस है हमारे पास, केस स्टडी का मतलब ये हुआ कि हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की स्टडी कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर सकते हैं, पर्टिकुलर विलेज की स्टडी कर सकते हैं, इनडेप्थ स्टडी होगी। और यहाँ पर जो प्राइमरी एडवांटेज ऑफ केस स्टडी है वो है ये प्रोवाइड करता है हमें मच मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन व्हाट इज अवेलेबल थ्रू अदर मेथड्स। आप जब केस स्टडी कर रहे हैं तो केस स्टडी के समय पर आप वहां पर ये स्थिति बन सकती है आपकी कि आप उसमें ये जो हमारे केस होगा जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं उसकी इनडेप्थ स्टडी कर पाएंगे, उससे आप उससे और बेहतर उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू अदर मेथड्स लाइक सर्वेज। सर्वे में तो आपने क्वेश्चनायर दिया और भरवा लिया, आपने उसके जो आपने डेटा मांगा था वो डेटा आपको मिल गया, बट वहां आप जो क्या वो डेटा रियल है, क्या वो डेटा सही है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। केस स्टडीज ऑल्सो अलाउ वन टू प्रेजेंट डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल मेथड्स। केवल ऐसा ही नहीं है कि आप इंटरव्यू से आप उसका ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से भी आप ले सकते हैं, आप उसके आसपास लोगों से बात करके भी पता कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन कंप्लेंट जो है केस स्टडी की वो ये है कि वेरी डिफिकल्ट टू जर्नलाइज फ्रॉम वन केस टू अनदर केस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए या उस केस को आप जर्नलाइज नहीं कर सकते। अगर आपने एक विलेज की स्टडी करी है तो उसको दूसरे विलेज पर इंप्लीमेंट आप नहीं कर सकते, एक व्यक्ति की स्टडी करी है तो उसको आप दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकते। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जो हमारा आता है वो है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। सभी लोग जानते हैं मीन, मीडियन और मोड के बारे में, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मीन जिसको हम कहते हैं कि वो मीन जो है वो एवरेज है, जो आपके पास एक ग्रुप का जो इंफॉर्मेशन आई हुई है उस इंफॉर्मेशन की जो एवरेज होगा वो मीन है, या आप ये कह सकते हैं कि जो भी टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, हर केस की जो भी वैल्यू है उन सब वैल्यूज का टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ केसेस, दैट इज मीन।
मीडियन किसी भी, जो आपके पास एक सीरीज है, जो आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को, उस पूरी सीरीज को बाइसेक्ट करता है, दो अलग अलग भागों में उसको वो बांट देता है। 50% केसेस उस मीडियन पॉइंट से ऊपर होंगे और 50% केसेस मीडियन पॉइंट से नीचे होंगे। तीसरा सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो है मोड। मोड के बारे में अगर हम बात करें, मोड एक ऐसा मेजर है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट कॉमन वैल्यू जो होगी वो मोड होगी। इसको जैसा कि हम सब लोग बात करते हैं, मोड यानी कि फैशन, सबसे ज्यादा फैशन में जो चीज है वो हमारा मोड है। अगर हम आप ये देखें कि व्यक्ति ये पसंद, ये देखना चाहता है कि सर्वाधिक किस चीज का व्यक्ति यूज कर रहा है, कौन सा, अगर आपके पास ट्राइमैक्स का पेन है, ट्राइमैक्स के अलावा आपके पास कोई दूसरे का उसका पेन है, तीसरे तरीके का पेन है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स के पेन आपके पास है, उसमें आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा पेन कौन सा यूज किया जा रहा है। सपोज हम ये मान के चलें कि ए नेम का पेन जो है वो सबसे ज्यादा यूज करा जा रहा है, जो हमारी ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा ए को यूज करते हैं, तो हमारा मोड जो होगा वो ए होगा। इस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी की बात हुई। इसके बाद हम बात करें तो क्लोज क्वेश्चंस की। क्लोज क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लोज क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस फॉलोड बाय प्री डिटरमाइंड रिस्पांस चॉइसेस इनटू व्हिच द रिस्पोंडेंट हैज टू रिप्लाई विद इन दी दोज रिस्पांस, प्री डिटरमाइंड रिस्पांसेस। जब हम कोई क्वेश्चनार किसी को दे रहे हैं फिलअप करने के लिए, तो उसमें दो तरीके के हमने क्वेश्चन रखे हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि हम व्यक्ति को पहले से ही उसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो, ये हमने चार इसमें रिस्पॉन्स दे रखे हैं, इन चार रिस्पॉन्सेस के बीच में ही में से ही आपको कोई एक रिस्पॉन्स देना है। यानी कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्डेंट है, ही और शी इज बाउंड टू गिव हिज और हर रिस्पॉन्स विद इन दोज फोर चॉइसेस, दैट इज क्लोज क्वेश्चन। अब हम बात करें क्लस्टर सैम्पलिंग की। बिकॉज आप ये सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं, सी आ गया, क्लस्टर सैम्पलिंग आ गया, अभी सैम्पलिंग की बात नहीं हुई। मैंने आपसे कहा था कि जो हमें टॉपिक दिया गया है ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च, ग्लॉसरी को मैंने शुरू में ही कहा था कि अल्फाबेटिकली ये दिया हुआ होता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से अलग अलग करके बात कर रहा हूँ। क्लस्टर सैम्पलिंग इज ए सैम्पलिंग प्लान यूज्ड व्हेन म्यूचुअली होमोजेनियस येट इंटरनली होमोजेनियस ग्रुपिंग्स आर इविडेंट इन अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। इन दिस सैम्पलिंग द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू दीज ग्रुप्स नोन एज क्लस्टर्स। कुछ कुछ ग्रुप्स में है, जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हमें अगर स्टडी करनी है ट्राइबल्स के ऊपर, तो जो ट्राइबल एरिया में अगर आप देखें तो कुछ अलग अलग जगहों पर कुछ 10 मकान इस जगह बने हुए हैं, कुछ मकान उस फील्ड में बने हैं, कुछ यहाँ बने हुए हैं, इस तरीके से कुछ मकान अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमें स्टडी करनी है, अब वो है क्या स्थिति, जो वो जो क्लस्टर है उसकी जो पॉपुलेशन है वो एज ए होल अगर हम देखें तो वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस होगा मतलब कि वो उन सबके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमको ट्राइबल्स स्टूडेंट का, हमें ट्राइबल्स का बिहेवियर स्टडी करना है। तो वहां उस ग्रुप में जितने भी अलग अलग ग्रुप हमें मिले हुए हैं उन सबको हमने वन स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग प्लान हम एक बना लेंगे, और ये पूरी पॉपुलेशन हमारी जो है वो उसको हमने छोटे छोटे क्लस्टर्स में जो डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट लोकेशन पर, उनमें से हम किसी एक क्लस्टर को इंटेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर हम स्टडी करेंगे, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके बाद हम बात करें कंट्रोल ग्रुप की। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने जाते हैं तो हमें वहां पर दो टाइप के ग्रुप बनाने होते हैं। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मतलब है कि हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी स्टडी है उसमें कहीं ना कहीं हमें देने पड़ेंगे कुछ ना कुछ इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन देने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कोई ना कोई ग्रुप चाहिए। अब बात हम कर रहे थे कंट्रोल ग्रुप की। कंट्रोल ग्रुप में ये वो ग्रुप होता है जिसको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इंटरवेंशन के साथ एक्सपोज नहीं किया जाता। जैसे हम देखना चाहते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड बेटर है, ट्रेडिशनल या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ट्रेडिशनल या पावर पॉइंट के थ्रू हम अगर पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें करना क्या होगा कि हमने किसी भी जो ग्रुप है हमारे पास उसमें दो ग्रुप हम बनाएंगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और दूसरा ग्रुप होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो होगा उसको हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएंगे, यानी कि उसको हम कंट्रोल्ड स्टडीज में पढ़ाएंगे, और वहां पर हम जो हमारा इंटरवेंशन है
उस इंटरवेंशन को हम किसी भी स्थिति में इनके सामने एक्सपोज नहीं करेंगे और इस कंट्रोल ग्रुप का हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों ही लेंगे। इसके बाद बात आती है सिमिलर, में जब कंट्रोल ग्रुप की बात कर रहा था तब वहां पर ही मैं बात कर रहा था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की। दूसरा ग्रुप जो है हमारा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अगर आप देखें तो हमने जो स्टूडेंट्स रखे हैं उस ग्रुप में उनको हम एक्सपोज कर रहे हैं विद द इंटरवेंशन, यानी कि हम उसको पावर पॉइंट मेथड से पढ़ा रहे हैं, पावर पॉइंट की हेल्प से पढ़ा रहे हैं, और वहां हम जो कंट्रोल ग्रुप था उस जगह पर हमने सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से, चौक एंड टॉक मेथड से पढ़ाया। अब यहां हम देखेंगे जिसको हमने इंटरवेंशन दिया, जिस पर हम इंटरवेंशन का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, दैट ग्रुप इज एज नोन एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिस ग्रुप पर हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है वो ग्रुप हमारा कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। बात आती है नेक्स्ट डेटा की। डेटा क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं? हम लोग बात करते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर लिया है, डेटा एनालाइज कर रहे हैं। व्हाट डेटा इज? डेटा इज यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स, जनरल मटेरियल, एविडेंस और नॉलेज कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। जब आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटा है आपके लिए। डेटा के साथ साथ बात आती है डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग क्या होता है? डेटा क्लीनिंग की अगर हम बात करें, डेटा आप कलेक्ट करके ले आए, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके लेके आए, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद अब आपको उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उस डेटा को आपको फीड करना पड़ेगा, आइदर इन कंप्यूटर्स या आप जो शीट्स बना के डेटा को आप फिल कर सकते हैं। जब आपने डेटा फीड किया तो डेटा फीड करने के बाद उसको जब हम चेक करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि कोई एरर्स तो नहीं है उस डेटा में, कोई करेक्शन तो नहीं है उस डेटा में, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि इनकंसिस्टेंट कोड्स की वजह से हमने कुछ उसमें फीडिंग में गलती कर दी हो, तो इस सब चेकिंग को हम डेटा क्लीनिंग का नाम देते हैं। बात की हमने कोड की, कोड क्या होता है? कोड हिंदी में कहें तो कूट, और कूट जो है वो कोड असाइन किए जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में नॉर्मली, और जितनी भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज को फिल करने के लिए हमें कुछ कोड उनको देना पड़ता है। जैसा कि अगर SPSS के बारे में बात करें, SPSS में बिना कोडिंग के जब तक हम कोड नहीं देंगे SPSS को तब तक हम कोई डेटा उसमें फीड नहीं कर सकते, बिना कोड्स के वो डेटा को लेगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों से हम चर्चा करते हैं, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अगर बात करें उनका हम देखते हैं जब उन्होंने अपना डेटा एनालिसिस किया हुआ उसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम उन्होंने एन माइनस वन लिखा हुआ है। जब कभी भी उनसे बात की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मैक्सिमम का जवाब ये था एन माइनस वन, लेकिन उनको ये पूछा गया कि एन माइनस वन तो इसका फॉर्मूला आपने बता दिया है, एग्जैक्टली ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? तो बस रिस्पॉन्स यही होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन है, कि जो भी हमारा डेटा है जितना भी हमारा सैंपल है उसमें से वन माइनस कर दे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। कभी हमने सोचा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या और क्यों हम इसका करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज इन अ सिग्निफिकेंस टेस्ट एंड अदर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स विच रिफ्लेक्ट्स द सैंपल साइज ऑफ द स्टडी ग्रुप यूज इन एन इन्वेस्टिगेशन, इट मीन्स दैट यू हैव द फ्रीडम टू वेरी, कितना आप दूर तक हट सकते हैं, कितना दूर तक आप फ्रीली घूम सकते हैं। चलिए हम एक बात करते हैं, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स को छोड़ते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करते, हम एक जनरल बात करते हैं, एक जनरल व्यक्ति की तरह बात करते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हैं और आप बहुत, आपको नई नई चीजें पहनने का बड़ा शौक है, आपका उनमें से एक शौक है कि आप घड़ियां पहनना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वैरायटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यू हैव वन कॉन्स्टेंट, आपके पास सात रिस्ट वॉचेज हैं, सेवन रिस्ट वॉचेज यू हैव, ठीक है, यू वॉन्ट टू बियर अ डिफरेंट रिस्ट वॉच एवरी डे ऑफ द वीक, हर रोज आप ये चाहते हैं कि नई घड़ी मैं पहनूं। बात कर रहे हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की, घड़ियों पे बात हम लेके आए कि घड़ी से हम जाएंगे डेटा की तरफ। पहले दिन आपने के पास सात घड़ियां थी, यू हैव सेवन चॉइसेस एंड यू हैव टू बियर एनीवन,
आपने फर्स्ट डे एक उसमें से रिस्ट वॉच सेलेक्ट की और आपने उसको पहन लिया। ऐसा ही आपने दूसरे दिन किया, पहली घड़ी आपने जो पहन ली उसको आपने एक तरफ रख दिया। अब बची है आपके पास सिक्स चॉइसेस। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दो सिक्स रिस्ट वॉचेस वन रिस्ट वॉच टू बेयर। आज भी आपने ऐसा कर लिया, तीसरे दिन भी आपने ये किया और लगातार आप 5 दिन तक ऐसा करते रहे। आपने आपके पास फ्रीडम थी, आपने उसमें से चॉइस कर करके आप घड़ी पहनते रहे। लास्टली व्हेन डे सिक्स अराइजेस, डे सिक्स कम्स, यू स्टिल हैव ए चॉइस बिटवीन टू रिस्ट वॉचेस। दो घड़ियां अभी भी आपके पास हैं कि आप आइदर दिस वन और दैट वन, कौन सी घड़ी में पहनूं, चॉइस है आपके पास। इट मीन्स कि 7 डेज में से आपके पास 6 डेज चॉइस थी, 6 दिन तक आप कोई भी घड़ी पहन सकते थे। बट आफ्टर यू चूज योर रिस्ट वॉच फॉर डे 6, छठे दिन के लिए जब आपने घड़ी अपनी पसंद कर ली कि ये वाली पहननी है, नाउ यू हैव नो चॉइस फॉर द रिस्ट वॉच दैट यू वियर ऑन डे 7। ध्यान कीजिए, 7 घड़ियां थी, 6 दिन आपके पास चॉइस थी। हर दिन वो ठीक है कि हर दिन आपकी चॉइस कम होती जा रही थी, और 7वें दिन लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं रही, यू हैव टू वियर दैट ओनली रिमेनिंग वॉच। तो आपको केवल वही घड़ी पहननी पड़ेगी, बिकॉज आपके पास क्या आपने करा, 7 दिन थे, 6 घड़ियों की चॉइस थी, 7 माइनस 1, 6 डेज ऑफ रिस्ट वॉच फ्रीडम। आपके पास 6 दिन तक डिफरेंट डिफरेंट घड़ियों को पहनने की चॉइस थी, फ्रीडम थी, इन विच द रिस्ट वॉच यू वोर कुड वेरी, कोई सी भी हो सकती थी, कोई सी भी आप पहन सकते थे। दैट्स काइंड ऑफ आइडिया बिहाइंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो। देखिए, वहां 7 थी, 7 में से 6 दिन तक तो आपके पास चॉइस थी। जो एन माइनस वन हम करते हैं, वो एन माइनस वन क्यों करते हैं वो समझ में आ जाएगा कि वहां हमारे पास चॉइस है, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट लास्ट डे क्या करेंगे, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, वो पहननी पड़ेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑफन ब्रॉडली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा दैट आर फ्री टू वेरी वेन एस्टिमेटिंग स्टेटिस्टिकल पैरामीटर। नाउ इमेजिन यू आर नॉट इन टू रिस्ट वॉचेस, यू आर इन टू डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस कर लिए, आपके पास एक डेटा सेट है 10 वैल्यूज का। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट एस्टिमेटिंग एनीथिंग, ईच वैल्यू कैन टेक ऑन एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है उन 10 वैल्यूज में। ईच वैल्यू इज कंप्लीटली फ्री टू वेरी, बट सपोज यू वॉन्ट टू टेस्ट द पॉपुलेशन मीन विद ए सैंपल ऑफ 10 वैल्यूज यूजिंग वन सैंपल टी टेस्ट, यू हैव अ कॉन्स्टेंट दैट एस्टिमेशन ऑफ द मीन। अब क्या है, जो आपके पास 10 वैल्यूज थी, मीन कैसे निकालते हैं, मीन को करने के लिए क्या है, हमारा 10 वैल्यूज का जो सम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमें टोटल मिल जाएगा। अगर हम यहां बात करें कि सपोज हमारे पास जो टोटल सम था वो था 45 और हमारे पास 10 हमारे पास केसेस हैं और टोटल उनका आ रहा है 45, उस केस में अगर आप देखें तो क्या निकल के आएगा कि जो मीन वैल्यू आई दैट इज 4.5। अब अगर हम इसका टोटल भी निकालना चाहें, 4.5 जो मीन वैल्यू है और 10 केसेस हैं, तो उनका टोटल जो होगा वो 45 हो जाएगा। मीनिंग देयर वाई, जब हमने टोटल किया 10 वैल्यूज का और डिवाइडेड बाय 10 किया तो 4.5 आ गया, 4.5 को अगर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो अगेन 45 हमें मिल जाएगा। अब आप देखिए, जो 10 वैल्यूज हमारी दे रखी थी, फर्स्ट वैल्यू कुछ हो सकती है, सेकंड कुछ हो सकती है, कोई माइनस में हो सकती है, कोई प्लस में हो सकती है, अल्टीमेटली उनका जो टोटल आएगा दैट शुड बी 45। पहली वैल्यू जो थी हमारी वो कुछ भी हो सकती है, दूसरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तीसरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड इवन द 9th वैल्यू में भी एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो 10th वैल्यू हमारे पास बचेगी वो 10th वैल्यू होना चाहिए टोटल 9 वैल्यूज और टोटल हमारा जो 10 वैल्यू का टोटल है 45, उनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि 9 जो वैल्यूज है हमारे पास वो तो वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन 10th वैल्यू वो होगी जो 10 से जो हमारे टोटल को 45 से ऊपर ना ले जाए। इसलिए हम ये कह सकते हैं, यू हैव 10 माइनस 1, दैट इज 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इट डजेंट मैटर व्हाट सैंपल साइज यू आर यूजिंग और व्हाट मीन वैल्यू यूज, द लास्ट वैल्यू इन द सैंपल इज नॉट फ्री टू वेरी, इसीलिए हम एन माइनस वन उसको करते हैं। So you end up with n minus 1 degree of freedom when n is the sample size. Another way to say this is that the number of degrees of freedom equals the number of observations minus the number of required relations among the observations
For one sample test, one degree of freedom is spent estimating the mean, and the remaining n minus 1 degrees of freedom estimate variability. तो ये बात हुई कि n minus 1 कहां से आया. नेक्स्ट टर्म पे अगर हम बात करने चलें, नेक्स्ट टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल्स. डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रिज्यूम्ड टू बी अफेक्टेड बाय वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफन कॉल्ड एन आउटकम वेरिएबल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, डज एंग्जाइटी अफेक्ट टेस्ट परफॉर्मेंस? सो हियर एंग्जाइटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एंड द टेस्ट परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर हम देखें, यहां हम कर क्या रहे हैं, हम इफेक्ट देख रहे हैं कि एंग्जाइटी का इफेक्ट टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या आ रहा है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम चेक करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट. सेम इज द केस विद द एंग्जाइटी. एंग्जाइटी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं टेस्ट परफॉर्मेंस पर, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जिसके ऊपर आप इफेक्ट देख रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एम्पिरिकल रिसर्च. एम्पिरिकल रिसर्च इज डिफाइंड एज एनी रिसर्च वेयर कंक्लूजन ऑफ द स्टडी इज स्ट्रिक्टली ड्रॉन फ्रॉम एम्पिरिकल फ्रॉम करेक्ट कंक्रीटली एम्पिरिकल एविडेंस एंड देयरफॉर वेरीफाइबल एविडेंस. मीन्स कि दिस एम्पिरिकल एविडेंस कैन बी गैदर्ड यूजिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड. फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्च इज बींग कंडक्टेड टू फाइंड आउट इफ लिसनिंग टू हैप्पी म्यूजिक वाइल वर्किंग में प्रमोट क्रिएटिविटी. सिंपल सी बात है, एम्पिरिकल रिसर्च की हम बात कर रहे हैं. हमने ये देखा कि हमारे कुछ वर्कर्स हैं, हमारे कुछ लोग हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको काम के दौरान हमने हैप्पी म्यूजिक उनको सुनाया. काम कर रहे हैं, साथ में हैप्पी म्यूजिक भी चल रहा है. और दूसरा जो ग्रुप था उसको हमने म्यूजिक नहीं दिया. अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स हमें एम्पिरिकल एविडेंस देंगे इफ इट डज प्रमोट क्रिएटिविटी. अगर क्रिएटिविटी बढ़ रही है तो ये एम्पिरिकल एविडेंस होगा कि म्यूजिक के साथ काम करने पर आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है. आप प्रोडक्टिविटी की बात भी कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी आपकी एनहांस होती है. अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हम करें, एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां. द मेजरमेंट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. द ट्रू वैल्यू इज एवरेज ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स एंड द मेजर्ड वैल्यू इज द प्रिसाइज वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल लिया और उसको हमने लोड किया 10 kg स्टैंडर्ड वेट से, एंड द रीडिंग शोज दैट इट इज 10 kg 200 ग्राम्स, देन द मेजरमेंट एरर इज 200 ग्राम, क्योंकि वहां मेजरमेंट में आपको एरर मिल रही है. यूजली देर आर थ्री मेजरमेंट एरर्स ऑकर्स इन रिसर्च नॉर्मली, दैट इज नंबर वन ग्रॉस एरर्स. दीज ऑकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स, एक्सपेरिमेंटर्स केयरलेसनेस, इक्विपमेंट फेलियर और कंप्यूटेशनल एरर्स. फ्रीक्वेंटली दीज आर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड द ओरिजिन मस्ट बी एलिमिनेटेड. कंसिडर अ पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स टू टेक रॉन्ग रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपेरिमेंटर रीड्स द 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग व्हाइल द एक्चुअल रीडिंग इज 51.5. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ओवरसाइटिस. कई बार हम देखते हैं कि कोई रीडिंग हमको लेनी है और रीडिंग लेते समय हमसे वो गलती हो गई और हमने उसकी जगह 50.5 की जगह 51.5 नोट कर दिया. यहाँ एक्सपेरिमेंटर ने गलत रीडिंग ली जिसकी वजह से ये एरर आई है. तो इस टाइप की एरर को हम अवॉइड कर सकते हैं केयरफुली रीड करके. एक तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि रीडिंग को हम बहुत केयरफुली लें, और दूसरी बात ये कर सकते हैं कि दो या अधिक रीडिंग्स हम ले लें बाय द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर एंड एट ए डिफरेंट पॉइंट फॉर रिमूविंग द एरर्स. तब ये जो एरर है हमारी, जो इस तरीके की ग्रॉस एरर की बात हम कर रहे थे, ये ग्रॉस एरर को हम दूर कर सकते हैं. दूसरी एरर्स होती हैं सिस्टमेटिक एरर्स. दीज इन्फ्लुएंस ऑल एग्जामिनीज स्कोर इन ए सिस्टमेटिक वे. सिस्टम के साथ
कुछ समस्याएं आई और उसकी वजह से ये एरर्स आ रही है. दीज ऑकर ड्यू टू फॉल्ट इन द मेजरिंग डिवाइस. जिस डिवाइस से हम मेजर कर रहे हैं, क्वेश्चन आयर हम अगर यूज कर रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन आयर में कुछ फॉल्ट हो जिसकी वजह से ये सिस्टमेटिक एरर आ रही है, और वो एरर सभी की जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ वो एरर आएगी आएगी. इस टाइप की एरर्स को हम तीन तरीके के बता सकते हैं. जैसे एक है उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर. दीज अगर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग कैलिब्रेशन और ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस. हो सकता है कुछ कमी हो बनाने में उस डिवाइस को, हो सकता है कि वो जो ऑपरेट कर रहे हैं उसमें कुछ कमी आई हो. दिस इंक्लूड लोडिंग इफेक्ट एंड मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्रॉस एरर्स इन मेजरमेंट डिफरेंट करेक्शन फैक्टर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड इन द एक्सट्रीम कंडीशन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिकैलिब्रेटेड केयरफुली. दोबारा जांच करनी चाहिए हमें उसकी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं. दूसरे टाइप की एरर्स इसमें आते हैं सिस्टमेटिकल एरर्स में, इन्वायरमेंटल एरर्स. दीज अकर ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. एक्सटर्नल कंडीशंस इंक्लूड नॉइस, अनकंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, टू मच कोल्ड और हॉट. इन ऑर्डर टू रिड्यूस दीज एरर्स अ रिसर्चर कैन ट्राई टू रिमूव दीज कंडीशन बाय मेकिंग सम अरेंजमेंट्स एंड एंश्योरिंग दैट देयर शैल नॉट बी एनी डिस्कम्फर्ट फॉर द सब्जेक्ट और द पर्सन हु इज यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट. और थर्ड टाइप की होती है इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर्स. दीज टाइप ऑफ एरर्स ऑकर ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट्स, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ टेकिंग रॉन्ग रीडिंग्स. द रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस में ड्यू टू इग्नोरेंस और लैक ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज टू यूज द इंस्ट्रूमेंट. ये भी हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो गया हो, ये भी हो सकता है कि आपने आपको जो इग्नोरेंस है उसकी वजह से आपने, ठीक है, आपकी नज़र बची और रीडिंग चेंज हो गई. हो सकता है कि आपको ऑपरेशनल नॉलेज ही ना हो उस इंस्ट्रूमेंट की, किस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, तो उसके कारण से ये सारी की सारी समस्याएं आती हैं. एक दूसरे टाइप की एरर्स हैं, दैट इज नोन एज रेंडम एरर्स. दीज आर कॉज्ड बाय द सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ऑल्सो फॉर नॉइस, टायर्डनेस इन द वर्किंग प्रोसेस. दीज एरर्स आर आइदर पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. चेंज इन लाइटिंग कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन टेम्परेचर एंड फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट कैन बी काउंटेड एज द एग्जाम्पल फॉर रेंडम एरर्स. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट इज ए साइंटिफिक मैथड टू यूज टू इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अभी हमने बात की थी क्या एंग्जाइटी का टेस्ट परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, वहां भी हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था. At its most basic, the experiment is a situation in which the independent variable is fixed by manipulation by the investigator or by natural occurrence. The true experimental method involves the random allocation of participants to experimental and control groups. अभी हमने बात की थी experimental group और control group की, वहाँ दोनों group में हमने अलग अलग दिया हुआ था और वहाँ पर हम experiment conduct कर रहे हैं. Experiment आप ये नहीं कह सकते कि experimental group के साथ ही conduct कर रहे हैं, experiment हम दोनों group के साथ conduct कर रहे हैं. बिकॉज एक्सपेरिमेंट करने में हम करके आ रहे हैं कि जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था उस कंट्रोल ग्रुप को हमने कहीं भी कोई भी इंटरवेंशन नहीं दिया था, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम इंटरवेंशन दे रहे हैं. एक्सपेरिमेंट वहाँ भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट यहाँ भी हो रहा है. एज ए होल जब हम देखेंगे कि किस ग्रुप का कितना अचीवमेंट रहा या किस ग्रुप का इफेक्ट क्या रहा, तब हम वहाँ कह सकेंगे कि ये हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. Ideally, those participants of both the groups are assessed before and after manipulation the independent variable in order to measure the effect of independent variable on the dependent variable. यहाँ हमने वही बात की कि जब हमने दो ग्रुप बनाए थे, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उस कंडीशन में हमने जो दोनों ग्रुप थे उनको हमने एक प्री टेस्ट दिया. बिकॉज हम मेजर कैसे करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का या नहीं पड़ा, उस कंडीशन में हमने वहां केवल उनके साथ जब टू ग्रुप्स थे हमारे पास तो हमने वहां पर प्री टेस्ट लिया, और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद हमने पोस्ट टेस्ट लिया. तो वहां हम देखेंगे क्या कोई इफेक्ट इस चीज का, मेथड का कोई इफेक्ट पड़ा, कोई एंजाइटी का इफेक्ट पड़ा क्या हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारे अचीवमेंट के ऊपर. तो ये बात हो गई हमारी एक्सपेरिमेंट की. अब बात हम करें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम पहले बात कर चुके हैं कि जिस ग्रुप को हम एक्सपोज करते हैं टू द इंटरवेंशन और टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है.
फील्ड रिसर्च की बात करें, अगर फील्ड रिसर्च क्या होती है, फील्ड रिसर्च फील्ड स्टडीज और फील्ड वर्क इज द कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा आउटसाइड ए लेबोरेटरी लाइब्रेरी और वर्क प्लेस सेटिंग्स. द अप्रोचेज एंड मैथड्स यूज इन फील्ड रिसर्च वेरी अक्रॉस डिसिप्लिन. फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिस्ट हु कंडक्ट फील्ड सर्वे मे सिंपली ऑब्जर्व एनिमल इंटरेक्टिंग विद देयर इन्वायरमेंट, वेयर एज सोशल साइंटिस्ट कंडक्टिंग फील्ड रिसर्च मे इंटरव्यू और ऑब्जर्व पीपल इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट टू लर्न देयर लैंग्वेजेस फोक फेयर और सोशल स्ट्रक्चर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. वट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए गिवन वेरिएबल. और इन स्टैटिस्टिक्स ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिस्ट टेबल और ग्राफ दैट डिस्प्लेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम्स इन ए सैंपल. हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, जहां पर हमारे पास जितने भी हमारे पास सैंपल में जितने केसेस हैं उन सब केसेस की कितना कितना फ्रीक्वेंसी आई है, वो सारा का सारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ द अकरेंसेस ऑफ वैल्यूज विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप और विद इन ए पर्टिकुलर इंटरवल, कि जो वो इंटरवल है उसमें वो कितनी बार उस काउंट का फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितनी बार वो एंट्री बार बार आ रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की बात हम बात करें हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी क्या होती है? होमोजेनिटी का अपोजिट हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सैंपल ग्रुप और असेट. द टर्म इज यूज्ड व्हेन ए सैंपल इज कंपोज्ड और आइटम्स और इंडिविजुअल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सीधी सी बात है कि करेक्टरिस्टिक्स उनकी सबकी डिफरेंट होंगी. हेट्रोजेनिटी सिग्निफाइज डाइवर्सिटी विद इन ए ग्रुप और सैंपल. अगर हम एक एग्जाम्पल लें, इन अ रिसर्च स्टडी अ ग्रुप दैट इज फॉर्म फॉर ए रेंडम सैम्पलिंग ऑफ प्रोफेशनल्स ब्लू कॉलर वर्कर्स मैन वुमेन असॉर्टेड एथनिक ग्रुप एटसेट्रा वुड बी कंसिडर्ड एज ए हेट्रोजेनियस सैंपल, बिकॉज वहाँ प्रोफेशनल्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, मैन वुमेन हैं और एथनिक ग्रुप्स हैं. हाउएवर ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर द सेम एथनिक ग्रुप, एजुकेशन लेवल, एज एंड जेंडर वुड बी कंसिडर्ड एज अ होमोजेनियस ग्रुप. हेट्रोजेनिटी में वहाँ उनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. और होमोजेनिटी की अगर हम बात करें तो होमोजेनिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए सैंपल ग्रुप और सेट. इन होमोजेनियस सैंपल ऑल द आइटम्स इन ए सैंपल फॉर चोजन बिकॉज दे हैव सिमिलर और आइडेंटिकल ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल People in homogeneous sample might share the same age, location or employment. The selected traits are ones that are useful for a researcher. अगर हम देखें, आप देखिए homogeneity और heterogeneity की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि हम teachers लेते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के teachers यानी कि एक homogeneous group हो गया teachers का, but within the homogeneity there is some heterogeneity also. कैसे? होमोजीनियस तो पूरा ग्रुप कौन हो गया कि ये सारे वो टीचर्स हैं जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं. हेट्रोजेनिटी कैसे होगी उसमें, क्योंकि होमोजेनियस तो उनका ग्रुप हो गया पूरा, उस ग्रुप विद इन दी ग्रुप क्या हो रहा है कि उसमें कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अब उनका एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस 1 to 5 ईयर्स है, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस 10 टू 15 ईयर्स है. तो वो हेट्रोजेनिटी इज ऑल्सो देयर विद इन दी होमोजेनिटी. होमोजेनिस ग्रुप के अंदर भी हेट्रोजेनिटी है. मुझे लगता है ये मैं क्लियर कर पाया हूँ होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी को. नाउ वी कम टू हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस हम सभी लोग निश्चित रूप से, जितने भी हम लोग सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम इसके साथ हमने एनकाउंटर किया होगा. हाइपोथेसिस क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि हाइपोथेसिस एक फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट है ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर स्टडी. एक टेंटेटिव रिजल्ट्स है, एक इंटेलिजेंट गैस है ये, और इंटेलिजेंट प्रेडिक्शन है दैट गिव्स डायरेक्शनल टू द रिसर्चर टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस. जो हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं, हाइपोथेसिस निश्चित रूप से एक टेंटेटिव गैस है
एक टेंटेटिव रिजल्ट्स हैं हमारी स्टडी का, क्योंकि उसको हमें टेस्ट करना है कि ये, और जो हाइपोथेसिस हैं वो हमें एक डायरेक्शन भी दे रही है। कई बार डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी होती है, नल हाइपोथेसिस भी, मोस्टली वी यूज नल हाइपोथेसिस ताकि हम उसमें किसी तरफ से भी हम कोई भी डायरेक्शन में हम ना जाएं, नल हाइपोथेसिस रखें, जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स हमारे साथ होंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्शनल बना रहे हैं तो मे बी वी कैन बी समवॉट बायस्ड कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, कि ये जो बनाई है हमने ये ठीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू अ रिसर्च मेथड विच इन्वॉल्व्स अ ट्रेंड इंटरव्यूअर आस्किंग क्वेश्चंस एंड रिकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट्स रिप्लाइज। इंटरव्यू अपने आप में कोई बहुत आसान तरीका नहीं है डेटा कलेक्शन का, रियली इट्स अ टफ टास्क इंटरव्यू करना। वैसे तो हम सब ये जानते हैं इंटरव्यू करना बहुत सरल सा है, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस लिख के ले गए हैं और वही प्रश्न हमसे हमने पूछने हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से जो इंटरव्यू का कोर है, जो उसकी आत्मा है, उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, उसको हम प्रॉपर नहीं कर पाते। क्योंकि इंटरव्यू हम ले क्यों रहे हैं, वो काम तो हम क्वेश्चन आर के थ्रू भी कर सकते थे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू हम ले इसलिए रहे हैं कि हमने इन डेप्थ स्टडी करनी है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति के विचारों की। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको वो जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, या वो ये भी कर सकता है कि उसमें वो ठीक से जवाब ना देकर वो उस रिस्पॉन्स को ही घुमा दे, उस रिस्पॉन्स को सही ना जवाब दे। और अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आपने शेड्यूल बनाया हुआ है तो निश्चित रूप से आप उससे हट के सवाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए दूसरा जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड था, और तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप इनडेप्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आप जो लिस्टेड टॉपिक्स अबाउट विच इंटरव्यूअर्स प्रोब रिस्पॉन्डेंट्स फॉर देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस, कि उसमें आप जो भी इंटरव्यूअर से आप जो जानना चाह रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू ही है जो आप जानना चाह रहे हैं उससे, उन सारी चीजों को निकाल सकते हैं। उसके लिए जैसा हम बीएड में बात करते हैं कि अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है यू शुड गो फॉर प्रोबिंग क्वेश्चन, तो यहाँ भी हम इंटरव्यू में इस तरीके की बात कर सकते हैं कि हम प्रोबिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन की हम बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो बात करेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम सभी जानते हैं बेल शेप्ड होता है, कर्व्ड होता है। जो कर्व है वो बेल शेप्ड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मैथमेटिकल डिफाइंड कर्व विच इज एन आइडियल और ए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली इन रियल लाइफ स्पेशली इन सैम्पलिंग। अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा, अगर आप क्लास की बात करें, क्लास में अगर आप विद्यार्थी देखेंगे तो निश्चित रूप से वो बेल शेप्ड में ही आ जाएंगे, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही होगा। कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे, नंबर उसका कम होगा, कुछ विद्यार्थी उतने बहुत अच्छे नहीं भी होंगे, अपोजिट होंगे बहुत अच्छे के, तो उनका नंबर भी बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे शेप हमारा बेल शेप्ड होता जाता है, वहां पर हमारे जो मैक्सिमम केसेस लाई करते हैं उस बेल शेप के पास। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल वेल शेप्ड कर्व राइजिंग स्मूथली फ्रॉम स्मॉल नंबर ऑफ केसेस टू बोथ एक्सट्रीम टू ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस इन द मिडिल। मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो बीच में लाई करते हैं, और बीच उनका जो होता है दैट इज द एवरेज कोरस्पॉन्ड्स टू द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लाइफ में कहीं भी देख सकते हैं कि हर तरीके के हमें जो लोग मिलेंगे बहुत अच्छे भी होंगे, बहुत बुरे भी होंगे, और जो नॉर्मल होंगे वो हमारे मैक्सिमम नंबर पे होंगे, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक वर्ड हमने सबने सुना है आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स वैल्यूज इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर मच हायर और लोअर देन द मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर इज दैट द डेटा विल नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप एग्जाम्पल लें, जैसे मैं बात करूं कि कुछ आपको नंबर्स हैं, नंबर्स हैं 25, 29, 3, 32, 85, 33, 27, 28. अब आप यहां देखिए कि सभी नंबर्स जितने भी हैं ये सब नंबर आसपास में ही हैं, बट इसमें कोई दो ऐसे न्यूमरल्स थे जो दोनों एंड से बहुत दूरी पर थे। वन इज थ्री एंड अनदर वन इज 85। यही थ्री और 85 जो है यही हमारे आउटलायर्स हैं। और यहां ये देखने वाली बात है कि आउटलायर्स को बहुत केयरफुली हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज मेनी ए टाइम्स दे कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन।
अबाउट द प्रोसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन और द डेटा गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रोसेस। हो सकता है जो ये आउटलायर हो, ये ऐसा व्यक्ति हो जो उस इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जानता हो, जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में उसको सबसे ज्यादा जानकारी हो, इसीलिए उसने ही गॉट मैक्सिमम मार्क्स 85 और बाकी लोगों ने एवरेज मार्क्स लिए थे। तो हमें इस आउटलायर्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बिफोर कंसिडरिंग द पॉसिबल एलिमिनेशन ऑफ दीज पॉइंट फ्रॉम डेटा। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दे अपियर एंड वेदर इट इज लाइकली सिमिलर वैल्यूज विल कंटिन्यू अपियर। ऑफकोर्स आउटलायर्स आर ऑफन बैड पॉइंट्स। ठीक है, ये बात कि आउटलायर्स बेहतर नहीं होते हैं, हो सकता है वो कुछ आपकी स्टडी को हार्म पहुंचा रहे हो, लेकिन बहुत केयरफुली उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, हो सकता है वो हमारी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल भी हो, इसलिए इस चीज़ का हमें आउटलायर्स का विशेष ध्यान देना पड़ेगा किसी भी रिसर्च स्टडी में। अब हम बात करें पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स इन स्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एंड फॉर एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, पैरामीटर इज एन न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट करेक्टराइजेस अ गिवन पॉपुलेशन और सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट। दिस मीन्स दैट पैरामीटर टेल्स अस समथिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन। ए पैरामीटर इज एनी समरी नंबर like an average or percentage that describes the entire population. क्योंकि पूरी population का mean क्या होगा वो अगर हम निकाल लें तो वो एक parameter है यहाँ पर हमारे लिए। अगर example हम लें तो we might be interested in learning about the average weight of all middle-aged Indians. The population consists of all middle-aged Indians and the parameter, what will be the parameter? The parameter will be mean for that. अब हम बात करें पैरामीटर के बाद पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्लेन एज ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस ऑब्जेक्ट्स एंड सो फोर्थ विद हैव ए कॉमन करेक्टरिस्टिक्स दैट आर द इंटरेस्ट ऑफ अ रिसर्चर। द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्ट एंड सो फोर्थ। द टर्म यूनिवर्स इज ऑल्सो यूज्ड एज सिनोनिम्स of to the population. For example, a researcher proposed to conduct a study on awareness of ICT among the secondary school teachers in Himachal Pradesh. The entire school teaching community in secondary schools in Himachal Pradesh certainly would constitute the population of that particular study. मतलब जितने भी लोग उससे रिलेटेड हैं जहाँ की आप स्टडी करने जा रहे हैं, जितने टोटल लोग उससे इफेक्टेड हैं, जितने टोटल लोग हैं उसमें, वो सारे के सारे आपकी पॉपुलेशन होंगे। एनी वैल्यू विच इज आइडेंटिफाइड और मेजर्ड फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटायर पॉपुलेशन कैन बी कॉल्ड एज पैरामीटर। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग कंडक्टिंग ए सर्वे टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। जो मैंने अभी बात की पैरामीटर की आपसे बात की थी कि जहाँ हम ये देखना चाह रहे थे कि मिडिल एज इंडियंस जो हैं उनका वेट कितना है, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक पैरामीटर यूज किया दैट इज मीन। हमने उनका मीन निकाल लिया और उससे हमें पता लग गया कि ये हमारा पैरामीटर मीन होगा इसका, और हमें इससे ये पता लगेगा कि इनका एवरेज वेट कितना है। इन सैंपलिंग द पॉपुलेशन में रेफर टू द यूनिट्स फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मे बी द यूनिवर्स ऑफ नेशंस और सिटीज। This is one of the first thing that analyst needs to define properly while conducting research. जब कभी भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये डिसाइड करें कि आपकी रिसर्च के लिए पॉपुलेशन क्या होगी, बिकॉज जब तक पॉपुलेशन आपको नहीं पता होगी तब तक यू कैन नॉट ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। इसी में बात आती है टारगेट पॉपुलेशन की। टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? टारगेट पॉपुलेशन रेफर्स टू द इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स टू विच रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन जनरलाइजिंग द कंक्लूजन। टारगेट पॉपुलेशन मतलब जितने टोटल आपके लोग थे उन पर आप अपनी रिसर्च के जो आपके रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को आप जनरलाइज कर सकेंगे, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। टारगेट पॉपुलेशन यूजली हैज वेराइंग करेक्टरिस्टिक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज थियोरेटिकल पॉपुलेशन। एक टर्म और आती है दैट इज एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है? Is the population in research to which the researchers can apply their conclusions. This population is a subset of the target population. जो target population थी आपकी उसका subset है target population,
एंड इज ऑल्सो नोन एज द स्टडी पॉपुलेशन, जो आपकी स्टडी में स्पेसिफिकली जो पॉपुलेशन होगी, क्योंकि इसी एक्सेसिबल पॉपुलेशन से रिसर्चर अपना सैंपल ड्रॉ करता है। वहां हमने बात की थी आपको टारगेट पॉपुलेशन की। टारगेट पॉपुलेशन क्या थी कि वो सारी की सारी जितनी भी पॉपुलेशन आपकी उससे रिलेटेड है वो सारी टारगेट पॉपुलेशन है, और उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इसीलिए इसको हम थियोरेटिकल पॉपुलेशन भी कहते हैं। और एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है कि जिस पॉपुलेशन पर आप एज ए रिसर्चर उस पॉपुलेशन पर अपने जो स्टडी के रिजल्ट्स आए हैं, जो कंक्लूजन्स आए हैं, उन कंक्लूजन्स को आप जनरलाइज करेंगे, और इसी जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है इसी पॉपुलेशन से आप अपना सैंपल ड्रॉ करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आती है, पब्लिकेशन बायस। पब्लिकेशन बायस क्या होती है? पब्लिकेशन बायस की अगर हम बात करें तो पब्लिकेशन बायस में आती है बात कि विच अराइजेज ड्यू टू सेलेक्टिव पब्लिकेशन इन जर्नल्स ऑफ आर्टिकल्स विच रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट। सीधी सी बात है कि हम केवल उन्हीं को पब्लिश करेंगे जो हमारे पास स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देंगे। या दूसरी बात जो मैंने पहले बायसनेस की बात की थी, वहां भी यही है कि अगर मनोज सक्सेना का एडिटर जानने वाला है तो मनोज सक्सेना को वो छाप देगा, और नहीं जानने वाला है तो हो सकता है वो पूरा रिव्यू कराए और सब तरीके के करके और आपको वापस भेज दे, तो दैट इज पब्लिकेशन बायस। तो यहाँ ये एक बात और भी आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिकेशन बायस के अलावा, तो एक बात हम करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज ए सोशल रिसर्च विच इज कैरीड आउट इन द फील्ड ऑफ नेचुरल सेटिंग्स एंड एनालाइज्ड largely in non-statistical ways। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। इस क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इसको निश्चित रूप से जो फील्ड सेटिंग्स हैं, जो नेचुरल सेटिंग्स हैं, वहां जाकर हम रिसर्च करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। ऐसा ही हम अगर बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की, सॉरी फ्रेंड्स द प्रॉब्लम वॉज विद द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई थी, बंद लाइट चली गई थी अचानक से ही, जिस कारण से हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। मुझे लग रहा है कि मैं मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके दैट्स ग्रेट। सो हम बात कर रहे थे, अभी हमने बात की क्वालिटेटिव रिसर्च की, अब बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिना बाय गैदरिंग क्वांटिफाइबल डेटा एंड परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट यूजिंग सैम्पलिंग मैथड्स एंड सेंडिंग आउटलाइन ऑनलाइन सर्वेस, ऑनलाइन पोल्स, क्वेश्चनायर्स एटसेट्रा, द रिजल्ट ऑफ विच कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। After carefully analysis of this data, the results can be generated. तो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में क्या है, सीधा सीधा कि हम इसमें जो भी डेटा कलेक्शन करते हैं उसको हम न्यूमरल वैल्यूज में करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग मैथड करते हैं, और उस तरीके से हम इसमें जो भी डेटा हम कलेक्ट करके लाते हैं उसे केयरफुली एनालाइज करते हैं और उससे हम रिजल्ट अपने जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करें रैंडम सैम्पलिंग की। रैंडम सैम्पलिंग, this gives each of the units in the target population an equal probability of being selected। random sampling ki hum baat kar, sabse aasan hai randomly select kar lijiye। randomly kya, jitne bhi hamare sample mein log, jitne bhi hamare group mein log hain, each and every individual has the probability of being selected, equal probability, equal chance of being selected as a sample for that particular study। इसके बाद बात आती है रैंडमाइजेशन की। रैंडमाइजेशन असाइनमेंट एट रैंडम ऑफ पीपल टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट्स में आप ये देखेंगे सीधा सीधा कि हमने रैंडमली असाइन कर दिए लोगों को। अगर हमारे पास 50 लोग हैं, दो ग्रुप बनाने हैं हमें, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो दोनों ग्रुप को हम अलग अलग रैंडमली लोगों को हम डाल देंगे। एक को इधर रख दिया, दूसरे को इधर रख दिया, तीसरे को इधर रख दिया, चौथे को इधर रख दिया, इस तरीके से हमने दो ग्रुप रैंडमली बना दिए।
इसके बाद बात आती है रेंज की। रेंज क्या होती है? रेंज इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट इज बेस्ड ऑन द लोएस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यूज ऑब्जर्व। ज्यादा सबसे कितनी मैक्सिमम वैल्यू थी और कितनी मिनिमम वैल्यू थी, उनका डिफरेंस जो होगा वो हमारी रेंज होगी। बात करें रिलायबिलिटी की, रिलायबिलिटी क्या होती है? इट इज ए मेजरमेंट दैट सप्लाइज कंसिस्टेंट रिजल्ट विद इक्वल वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जितनी कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी हो रिजल्ट्स में, बार बार सतत रूप से वही रिजल्ट्स हमें मिलते रहें। इट मेजर्स कंसिस्टेंसी, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ ए रिसर्च। इट इंडिकेट्स टू विच इट इज विदाउट बायस एंड हैंस एंश्योर्स कंसिस्टेंट मेजरमेंट अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस द वेरियस आइटम्स इन द इंस्ट्रूमेंट। इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए रिसर्चर इज कंसिडर्ड रिलायबल इफ कंसिस्टेंट रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेंड इन आइडेंटिकल सिचुएशन बट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। मीनिंग देयर वाई हमने एक एक हमने टूल बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, जो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है उस इंस्ट्रूमेंट में हमने एक काम किया कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को जिस ग्रुप के लिए बनाया है वो उस ग्रुप के जितने भी लोग होंगे, जहां भी हम उसको यूज करते हैं, उन सबके रिजल्ट सिमिलर आने चाहिए। अगर हमने कोई टेस्ट बनाया है बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, तो निश्चित रूप से वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और वो बीएड के स्टूडेंट्स अगर हमने हिमाचल प्रदेश के बनाया, तो हम चाहे कांगड़ा में करें या किन्नौर में उसका डेटा कलेक्ट करें, या हम लाहौल में करें या मंडी में करें, जहां भी हम डेटा कलेक्ट करें उससे रिजल्ट्स हमारे कंसिस्टेंट आने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए, तभी वो टेस्ट हमारा रिलायबल होगा। बात करते हैं हम रिसर्च डिजाइन की। रिसर्च डिजाइन रेफर्स टू द स्ट्रेटजी ऑफ द रिसर्च, हाउ द सैंपल इज कंडक्टेड, whether it is a descriptive or experimental design is selected, whether control groups are needed, what variables need to be operationalized and whether what analyzed be. ये सीधी सी बात है कि जो आप रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, एक डिजाइन है, आपको उस डिजाइन के रूप तरह ही, उस डिजाइन के ऊपर ही आपको चलकर अपनी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी होगी। जैसे कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रिसर्च डिजाइन में ही सैंपल की बात आएगी, कौन सा हम सैंपल लेंगे, पॉपुलेशन क्या होगी हमारी, क्या सैंपल होगा, सैंपल सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, किस टेक्निक से हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, और क्या जो हमारा डिजाइन होगा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन सा होगा। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होगा, अगर नहीं है, अगर हम उसमें सर्वे टाइप रिसर्च है, तो ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी टेक्निक यूज करते हुए सैंपल को हम सिलेक्ट करें, हमारे वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, उनको किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करना है, और एनालिसिस हम डेटा का किस तरीके से करेंगे, ये सारा का सारा रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है। Now we come to response rate. Response rate क्या होता है? Response rate is the number that of the people who respond positively to the invitation to take part in the study. सीधी सी बात ये हुई कि आप देखिए, response rate का मतलब हुआ कि आपने एक invite भेजा कि मुझे ये study करनी है और इस study में मुझे इतने लोग total चाहिए। Those who responded back to you, वो उसका response rate होगा, और generally इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। आप देखिए, अगर हम क्वेश्चनायर की बात करें तो कहा जाता है कि क्वेश्चनायर जो मेल्ड क्वेश्चनायर्स हैं उनका रिस्पांस रेट सबसे कम होता है। आपके हमारे सभी के पास अगर हम देखें तो बहुत सारी हम लोगों के पास रोज की मेल्स आती हैं, गूगल डॉक्स आते हैं कि साहब हमें इसका रिस्पॉन्ड दे दीजिए, रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इसको भर दीजिए। कितने हम भर के भेज पाते हैं, कितने क्वेश्चंस को, कितने हम इस टाइप के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। दैट इज द रिस्पॉन्स रेट फॉर द रिसर्चर। जिसने आपको वो क्वेश्चन भेजा है, जिसने आपको वो टूल भेजा है भरने के लिए, वो रिसर्चर के लिए रिस्पॉन्स रेट होगा। और नॉर्मली इसको हम परसेंटेज में इसको दिखाते हैं। सैंपल की बात करें, सैंपल क्या होता है? सबसेट है पॉपुलेशन का, हम सभी लोग जानते हैं। सैंपल इज ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड और सिलेक्टेड फ्रॉम ए स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन बाई ए डिफाइंड प्रोसीजर। स्पेसिफिक प्रोसीजर है किस तरीके से हमने उसमें सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हमने बीच में क्लस्टर सैम्पलिंग की बात की थी, रैंडम सैम्पलिंग की बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सैम्पलिंग्स हैं, टेक्निक्स हैं। दी एलिमेंट्स ऑफ ए सैम्पल आर नोन एज सैम्पल पॉइंट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स और ऑब्जर्वेशन। टिपिकली द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी होती है पॉपुलेशन हमारी, और उसके लिए हमें या तो हम सेंसस करें,
सेंसस माने एक हम उसकी जितने भी लोग उस पॉपुलेशन के मेंबर हैं उन सबके साथ हम अपना डेटा कलेक्ट करें, और दैट इज वेरी वेरी टफ. यू कैन से इट इज आइदर इम्प्रैक्टिकल और इट इज इम्पॉसिबल टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम होल पॉपुलेशन. द सैम्पल यूजली रिप्रेजेंट्स ए सबसेट ऑफ मैनेजेबल साइज. अगर आपका जो डेटा है, जो अगर आपका, अगर आप बात करें जो आपका पॉपुलेशन है, वो अगर पॉपुलेशन 10,000 की है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स रादर इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकेबल कि एज ए रिसर्चर यू विल गो एंड कॉन्टेक्ट ऑल द 10,000 पीपल हु आर योर पॉपुलेशन. तो उस केस में आप पॉपुलेशन की जगह आप उसका सबसेट लेंगे जो कि मैनेजेबल होगा, जहां तक आप पहुंच सकते हैं. 10,000 है, आपने 500 लोग ले लिए, उसमें से 1,000 लोग ले लिए, जहां तक आप उसको कर सकते हैं. सैंपल्स आर कलेक्टेड एंड स्टैटिस्टिक्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल्स सो दैट वन कैन मेक इन्फ्रेंसिस फ्रॉम द सैंपल टू द पॉपुलेशन. क्योंकि अभी मैंने बात की थी कि जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो टारगेट पॉपुलेशन थी, जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन थी, एक्सेसिबल पॉपुलेशन पर हम क्या कर रहे थे, टारगेट पॉपुलेशन में से हमने एक्सेसिबल पॉपुलेशन ली थी और उसमें से हमने सैंपल लिया था, और एक्सेसिबल पॉपुलेशन के ऊपर हमने अपना जो सैंपल के रिजल्ट्स थे उसको जनरलाइज किया था. तो वही चीज़ यहाँ सैंपल की बात आई कि उसमें हम स्टैटिस्टिकली उसको एनालाइज करेंगे और जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनको हम उनके ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ ए लार्जर ग्रुप और ए यूनिवर्स. एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड इन ए मैनर दैट दे यील्ड ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल यूनिवर्स. यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा सैंपल हो उसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करें कि वो सारा जितना भी हमारी पॉपुलेशन थी उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स उन जो सैंपल में हमने जो सेलेक्ट किया है उसमें विद्यमान हो. क्योंकि बिना उसके अगर वो हम इस तरीके का सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिसमें वो सारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसकी पॉपुलेशन की, तो वो सैंपल से जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो रिजल्ट निश्चित रूप से कुछ बेहतर नहीं होंगे. इसके बाद हम सैंपलिंग की बात की. सैंपलिंग के बाद हम बात करें सैंपलिंग एरर्स की. सैंपलिंग एरर्स की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मीन वैल्यूज ऑफ सैंपल एंड द पॉपुलेशन. सो इट ओनली हैपेंस व्हेन यू आर वर्किंग विद रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. ए पॉपुलेशन विल नेवर बी परफेक्टली रिप्रेजेंटेटेड बाय सैंपल बिकॉज द पॉपुलेशन इज लार्जर एंड मोर कंप्लीट. आप देखिए कि जो सैंपल है, सैंपलिंग एरर इज ए फीचर ऑफ सैंपलिंग. जो सैंपलिंग का जो फीचर है, जो सैंपलिंग एरर्स का, वो सैंपलिंग का है ना कि ह्यूमन एरर का. एंड इट कैन नॉट बी कंप्लीटली अवॉइडेड बट कैन बी रिड्यूस्ड बाई केयरफुल सैंपल डिजाइन एंड टेकिंग लार्ज एनफ सैंपल्स. वहां आप देखिए कि जो सैंपल आपने लिया है वहां सैंपल सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, एरर्स तब आ सकती है. ये ह्यूमन एरर नहीं है, ये एरर है सैंपल सिलेक्शन की. अगर सिलेक्शन गलत हुआ है, आपने प्रॉपर उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो भी थी वो नहीं ली है, तब आपको यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है और सैम्पलिंग एरर वहाँ आपकी शो होगी. इसको कंप्लीटली अवॉइड करना बहुत टफ है, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई टेकिंग केयरफुल सैंपल डिजाइन एंड टेकिंग लार्ज इनफ सैंपल सो दैट इट कैन बी रिड्यूस्ड. दूसरी एरर्स होती हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स. नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं एनी डेविएशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ ए सर्वे एंड द ट्रुथ विच आर नॉट कॉज्ड बाय द रैंडम सिलेक्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब सैंपल सिलेक्शन की गलतियां नहीं है यहाँ पर, जहाँ गलती हैं जो नॉन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की गलती नहीं होने के बाद अलावा नॉन सैम्पलिंग गलतियाँ हैं. ये कॉमन टाइप की नॉन सैम्पलिंग एरर क्या क्या होती हैं? जैसे नॉन रिस्पॉन्स एरर्स. नॉन रिस्पॉन्स एरर्स में मीन्स जो अभी मैंने बात की थी रिस्पॉन्स रेट की, वहाँ आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करा आपका सब्जेक्ट ने, आपको जवाब ही नहीं दिया आपके सब्जेक्ट ने, तो वो नॉन रिस्पॉन्स एरर्स हैं. मेजरमेंट एरर्स, जब आपने क्वेश्चनायर बनाया तो वहाँ पर कुछ आपने ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जो कन्फ्यूजिंग हुए, या डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, या कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि जो रिस्पॉन्डेंट प्रॉपरली आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट एरर. एंड द थर्ड वन इज इंटरव्यूअर एरर. इंटरव्यूअर एरर का मतलब क्या है कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो मे लीड अ रिस्पॉन्डेंट टू अ सर्टेन आंसर. कई बार क्या होता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्डेंट यही जवाब दे, तो आपको आप उस तरीके से उसे प्रश्न पूछेंगे, क्या भारत की राजधानी दिल्ली है? तो आपने उसको वहां बता दिया कि भाई दिल्ली बताओ तो मुझको. इसका मतलब क्या है? ये इंटरव्यू एरर है, ये मेरी एरर है कि मैंने आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा कि उसमें आपको हमने
लीडिंग क्वेश्चंस हो गया, जिसमें आपको हमने लीड कर दिया उस रिस्पांस की तरफ। और एक होती है प्रोसेसिंग एरर्स। प्रोसेसिंग एरर क्या है? जब आप डेटा को प्रोसेस करते हैं उस टाइम पर कुछ एरर्स आ जाती हैं, जैसे कि आपने डेटा जो फीड किया वो इनकरेक्टली आप फीड कर गए, या आपका डेटा वो करप्ट हो गया। ये हो गया, ये बात हो गई हमारी प्रोसेसिंग एरर्स की। तो ये कुछ एरर्स थी, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम सभी जानते हैं जब हम कोई टी टेस्ट लगा रहे हैं तो वहां पर हम सिग्निफिकेंस डिफरेंस चेक कर रहे हैं दो ग्रुप के बीच में, और वहां सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो हम चेक कर रहे हैं उस सिग्निफिकेंट डिफरेंस में हम उसको चेक करते हैं आइदर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन यहां ये बात करनी बहुत जरूरी है कि वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है। अगर हम 0.05 लेवल पर बात कर रहे हैं, 0.05% लेवल ऑफ का मतलब है दैट जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो 5 times 100 में से 5 बार ऐसा हो सकता है कि वो रिजल्ट्स बाय चांस हों, जबकि वो 95% वो रिजल्ट्स हमारे ठीक हैं, वो गलत नहीं है। ऐसा ही 0.01 लेवल सिग्निफिकेंस की बात करें तो वहाँ 99% हमारे रिजल्ट्स जो हैं ड्यू टू दैट एक्सपेरिमेंट हैं, ड्यू टू दैट सर्वे हैं, और केवल 1% चांसेस ऐसे हैं उसके कि वो जो हो वो बाय चांस हो। इसके बाद हम बात करें वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी दैट वेराइज अमंग द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर एग्जांपल जेंडर, आई कलर, मोटिवेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स हाउएवर शुड डिफर और वेरी टू क्वालिफाई द क्लास एज ए वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ वेरिएबल आपके क्या क्या बने, इसमें इसमें वेरिएबल आपका हुआ रीइंफोर्समेंट, इसमें वेरिएबल आपका हुआ स्टूडेंट अचीवमेंट। ये दो वेरिएबल्स इसमें आपके होंगे, इनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि आप रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट स्टूडेंट के अचीवमेंट पर देखना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, तो एक वेरिएबल्स इसमें है क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स, वेराइज इन अमाउंट इन डिग्री बट नॉट इन द काइंड। फॉर एग्जाम्पल हाइट, लेंथ, इंटरेस्ट। हाइट कम बढ़ हो सकती है लेकिन होगी ह्यूमन बीइंग की। लेंथ किसी भी जो आपके पास, कोई भी आपके पास ऐसा अप्रेटस है, कोई ऐसा आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कम बढ़ हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, लेंथ कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन होगी वो ऑब्जेक्ट की। ऐसे ही होते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल्स। ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स जो है वो इन काइंड वेरी करते हैं, नॉट इन डिग्री। अभी क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या थे, वो डिग्री में वेरी कर रहे थे, काइंड में नहीं कर रहे थे। कैटेगरिकल जो है वो काइंड में वेरी कर रहे हैं और डिग्री में नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कलर, डिफरेंट टाइप के आई कलर हो सकते हैं, जेंडर मेल फीमेल हो सकता है, ऑक्यूपेशन डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हैं जिनका हम इफेक्ट देखते हैं दूसरे वेरिएबल पर, प्रज्यूम टू इन्फ्लुएंस अदर वेरिएबल्स, दूसरे वेरिएबल्स को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। समटाइम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स, यानी कि ये दूसरे वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हम सभी जानते हैं कि इनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से, इनके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट पड़ता है। और एक होते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट एक्सट्रानियस वेरिएबल्स हैं, बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर अनडिजायरेबल वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड एक्सपेरिमेंटर इज एग्जामिनिंग। अब आप देखिए एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, अभी जो मैं आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ और बीच में एक बार मेरा लाइव खत्म बीच में रुक गया था, कारण क्या था, वहां एक एक्सट्रानियस वेरिएबल था एंड दैट एक्सट्रानियस वेरिएबल वॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वही चीज यहाँ है, आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक और लें कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैज डेवलप्ड ए न्यू लर्निंग स्ट्रेटजी एंड इज इंटरेस्टेड इन एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस स्ट्रेटजी। The experimenter randomly assigns students into two groups, जो हमने बात की randomly दो ग्रुप में students को बांट दिया और उन्हीं दोनों ग्रुप के students को कहा उसने कि कुछ study material दिया
ऑन ए बायोलॉजी टॉपिक फॉर 30 मिनट्स, कि इसको 30 मिनट तक आप पढ़ लीजिए. वन ग्रुप यूजेस द न्यू स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी उसने दी थी कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़िए, एंड द अदर यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ देयर चॉइस, जैसे चाहो पढ़ो. एक को उसने, जो साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बना के दी थी, भाई इस तरीके से आप इसको पढ़ना. दूसरे को उसने कहा नहीं कि जैसे चाहो वैसे पढ़ लो. तो यहाँ क्या हुआ कि ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटेड ए टेस्ट ओवर द मटीरियल, जो पढ़ने को दिया था उसको उसने कंप्लीट कर लिया. अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या था इसमें, एक्सट्रेनियस वेरिएबल यहाँ था प्री नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी टॉपिक. इसको आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे थे उनको, जिनमें से भी जिन लोगों को भी बायोलॉजी की टॉपिक की पुरानी जानकारी थी, पुरानी नॉलेज थी, पहले से नॉलेज थी, वो बेहतर तरीके से उस टेस्ट को कर पाए होंगे इन कंपेरिजन टू दोज हैव नॉट प्री नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी टॉपिक. तो दीज आर दी सम टर्म्स विच आर बींग यूज इन रिसर्च फ्रिक्वेंटली, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ये यूज की जाती हैं टर्म्स. और इन टर्म्स को मैंने माई लेवल बेस्ट to discuss these terms properly. कोशिश की मैंने कि आपके साथ इनको बेहतर तरीके से मैं शेयर कर सकूँ. एट द एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस टू लिसन मी, एंड वंस अगेन सिंसियर थैंक्स टू डॉक्टर सोमू सिंह एंड माई बेस्ट विशेज फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स टू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल.